रात गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ब्याई है सिर्फ पांच बंदे ना वो हाथ खड़ा करो कोई भी नहीं क्यों धियाल का लक तोड़ता 95% सिख कौम के उंगलों च मुंदरिया धियाल दियो जवाब सौदे होंगे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च धियां दे कोई नहीं बोलता इस चीज का माण है मैनू मेरे बाप ने मैनू पांच बंदे ना व्याया सी मेरा बेटा बारिस्टर बन गया जी ऑक्सफोर्ड तो मैं क्या हूँ यदा व्याह करना है तो हूँ बाप की लीह भी तोड़ देनी है तो मैं आपके बेटे धीवाले तो एक रुपया भी नहीं लिया मेरी वाइफ मेरे बेटे के ब्याह से नहीं आई मां को कितनी खुशी होती है पर असी आपके असूल नहीं तोड़े सिख कौम महंगे ब्याहां ने मारता तो भोग मंगणिया ने मारता कोई नहीं बोलता सिख कौम का डायवोर्स रेट 47% है इस वेले पिछे चले जाओ साड़ी मासी भूआ तक दे तलाक होया सी तुहाडे च कोई है जिन्हें पांच बंदियां ना आपकी लाद गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ब्याई है सिर्फ पांच बंदियां ना वो हाथ खड़ा करो कोई भी नहीं नहीं थी? क्यों धियाल का लक तोड़ता सिख कौम कहती है अकाल पुरख तो मंगो देके नहीं पछता बीबी को थोड़े वाल थोड़े हक की गल करता है सिख कौम कहती है रागी ढाडी भी वीर पढ़ते हैं सिख कौम कहती है अकाल पुरख तो मंगो देके नहीं पछता 95% सिख कौम के उंगलों च मुंदरिया धियाल दियाँ दियो जवाब तू पुछदा आजा ना सौदे होंगे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च धियाँ दे कोई नहीं बोलता आ वीर भी नहीं बोलते तुहाडी ड्यूटी है तुहानू गुरु साहब ने बहुत सोहनी स्टेज दिती है इन्हां टोकिया करो एक चीज़ का माण है मैनू मेरे बाप ने मैनू पांच बंदिया ने व्याया सी ते मैं उस परिवार का जवाई हाँ जिन्हां दे घर ऊधम सिंह ठहरिया सी ते मेरे बाप मैनू तंग ही करदा रहा 20 साल तैनू 1 रुपए ना व्याया 1 मैं कहा यार कोई मेरा बेटा बारिस्टर बन गया जी ऑक्सफोर्ड तो मैं कहा हुण इहदा व्याह करना है ते हुण बाप की लीह भी तोड़ देनी